हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो कम, रील्स एडिटिंग ज्यादा चल रहा है और भाई इस पे मिलियन ऑन मिलियन में लाइक्स और व्यूज आ रहा है, मतलब वीडियो बहुत ज्यादा एडिट किया हुआ रहेगा। और अभी कुछ टाइम से तो भाई इस टाइप का रील्स काफी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर। एक दफा प्ले करके दिखाता हूँ। इस वीडियो का नाम है ग्लो रिलिक्स वीडियो एडिटिंग। ट्राई कर लेना यार, क्या पता तुम्हारा रिल्स वीडियो वायरल हो जाए तुम्हारा अकाउंट पर। स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए फर्स्ट तुमको जरूरत पड़ेगा ब्लैक स्क्रीन वीडियो का, जो कि ग्लो चाहिए, मतलब वो ब्लैक स्क्रीन रहेगा बट उसका बैकग्राउंड में ग्लो रहेगा रिलिक्स में। तो इसको तुम दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। पहला जो है वो इंस्टाग्राम से तुम डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर कुछ बंदा है जिसका आपको स्क्रीन पर नाम दिखाई देता होगा, वो लोग इस टाइप का रील्स बनाता है और आपका जो उसका जो म्यूजिक है सीधा जाकर डील में टच कर जाएगा। आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपको पसंद आए तो आप सीधा रील्स को डाउनलोड कर लेना। पूरा काम किया हुआ रहेगा, बस खाली उसको अपना फोटो में सेट करना है, कर एडिट करना है। और अगर आपको आपका हिसाब का म्यूजिक वीडियो नहीं मिलता है, उसका ग्लो वीडियो नहीं मिलता है, तो आप उसको यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो। सीधा आपको यूट्यूब पर आना होगा और यूट्यूब का सर्च बॉक्स पर जाकर आपको वहां पर ही सर्च करना है ग्लो रिलिक्स वीडियो ब्लैक स्क्रीन। फर्स्ट में ग्लो लिखना, ठीक है, क्योंकि तुमको ग्लो चाहिए। ब्लैक स्क्रीन मारोगे तो वहां पर काफी सारा वीडियो आ जाएगा बट तुमको ग्लो चाहिए, इसलिए तुमको लिखना होगा ग्लो रिलिक्स वीडियो एडिटिंग। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा, काफी सारा वीडियो खुल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो अच्छा लगे आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। अब उसको एडिट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगा आपको एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है BN। डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्ले स्टोर से आप जाकर इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो सिंपली तुमको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाना होगा। मैंने BN एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है एंड आपको सिंपली यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका काफी सारा वीडियो खुल जाएगा एंड यहाँ पर फोटो वाले सेक्शन पर जाना है। आपको कौन दो फोटो के साथ वीडियो करना है, तो मैं वो फोटो को ले लेता हूँ। तो मुझे ये वाला फोटो को एडिट करना है, इस पे लगाना है। तो मैंने ये वाला खाली फोटो ले लिया, ये खाली सिंपल फोटो है। फोटो आपका एडिट भी किया हुआ हो सकता है या फोटो खाली क्लिक भी किया हुआ हो सकता है, बट फोटो को जितना चाहो अच्छा से उसको एडिट कर लेना। मैंने इसको क्लिक करके और अच्छा से एडिट किया, तो अच्छा सा कोई फोटो को क्लिक कर लेना गैन, उसको आकर यहाँ पर ही डाल देना। ग्लो रिलिक्स वीडियो ब्लैक स्क्रीन जो अभी आपने यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया है, उस वीडियो को आकर यहाँ पर ही आपको एड करना है, डालना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर ही डालना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पर ही आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक वीडियो फोटो और स्टिकर। तो आपको वीडियो फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आने के बाद जो आपने अभी ब्लैक स्क्रीन डाउनलोड किया ग्लो वाला ब्लैक स्क्रीन, उसको ले लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ उसको। लेने के बाद ये वीडियो आ जाएगा यहाँ पर ही। अब आपको उसको सेट करना होगा अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। सो मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद आपका जो इसका जो लेयर है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना इसका हिसाब से। सो ये बहुत छोटा है, 2 सेकंड का है और ये वीडियो 30 सेकंड का है, तो इसको हम लोग पूरा बड़ा कर लेते हैं वो लेयर का हिसाब से। सो ये हो चुका है यहाँ पर, इसको क्लिप के ऊपर क्लिक करके बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग का जो ब्लैक स्क्रीन है वो ऐड हो चुका है ग्लो वाला, जैसे तुम लोगों को चाहिए था। ओके, देख सकते होगे। अब हम लोग को इसको करना है स्क्रीन में कन्वर्ट, तो ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखना। आपको ये लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जाते जाना यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल, डार्क मोड, मल्टीप्लाई, लाइट स्क्रीन, कलर डार्किंग, बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर इसे चूज स्क्रीन करना है। स्क्रीन परफेक्ट होता है, आप चाहो तो लाइट फेंड भी कर सकते हो बट ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, लाइट में बहुत ज्यादा ब्लाइंडिंग आ जाता है। सो आप स्क्रीन लेना, स्क्रीन एकदम परफेक्ट होता है, पूरा ग्लो आएगा खुल के। सो यहाँ से इसको डन कर देते हैं। सो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर चल रहा है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने सेट इसको नहीं किया, इसको सेट करना होगा। आप अपने हिसाब से फोटो के हिसाब से सेट कर लेना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा मेरे हिसाब से, मेरा फोटो का हिसाब से, और इसको थोड़ा सा लाके नीचे में सेट करना होगा मुझे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो एकदम परफेक्ट लग रहा है, पहले था वो एकदम बीच में, अब मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो अब आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट लग रहा है। सो ये जो हमारा वीडियो ये पूरा रेडी हो चुका है। इसका जो ऑडियो रहेगा वो पूरा म्यूट रहेगा, आपको आके इसका वॉल्यूम वाला सेक्शन में आकर इसको 100 कर देना है, तो ये जो है आपका साउंड भी इसमें ऐड हो जाएगा। बट जब आप इसको इनपुट करोगे, इसमें डालोगे, तो साउंड आपका बन रहेगा, आपको साउंड को डालना होगा। तो साउंड डालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, ये लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको वॉल्यूम वाला सेक्शन पर आ जाना है और ये पूरा 0 रहेगा, आपको इसको 100 कर देना है,
बस आपका काम हो गया। तो ये तो आपका वीडियो पूरा रेडी हो चुका है, अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है। तो एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर जाते हैं, यहाँ पर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट सेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 720p, 1080p, 2.7K और 4K का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1080p में करना बेस्ट रहेगा, 1080p। और इसका FPPS जो होता है, FPPS उसको 60 रहने देना, बाकी इसका MPPS जो है वो हाई रहने देना, ओके। बाकी कुछ आपको छेड़छाड़ी नहीं करना है, बस खाली कुछ रहेगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट यहाँ पर जो इसका बेस्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा रेजुलेशन, आप उसी हिसाब से रखना, बाकी 1080p बेस्ट है। बाकी इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना, सेव के ऊपर क्लिक करके, सेव के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पर नीचे मैं आपको डन दिखाई देता होगा, इसके ऊपर टिक के ऊपर क्लिक कर देना, बाकी ये आपका एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 100% होते ही ये सेव हो जाएगा आपका गैलरी में। बाकी अपलोड करना इंस्टाग्राम पर, मेरे को टैग कर देना, मैं भी देखता हूँ कैसा बनाया तुमने।